बालाघाट जिले के किनापुर में आयोजित जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेला व स्व सहायता समूह सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री का जयघोष और तालियों से स्वागत हुआ। सीएम ने भी हाथ जोड़कर आमजनों के अभिवादन को स्वीकार किया। सीएम ने मंच पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य गौरीशंकर बिसेन एवं अन्य भाजपा नेताओं के साथ माँ सरस्वती तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिलीप भटेरे की तैल चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरणापुर कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू करने, टा में नए सत्र से कॉलेज खोलने, परसवाड़ा कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने, बालाघाट में सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने, लामता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने जैसी घोषणाएं की। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिले में कार्यरत महिला स्व सहायता समूहों की तारीफ करते हुए कहा कि आगे से निर्माण कार्य में काम आने वाली रोड रोलर उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को वितरित की जाने वाली गणवेश तैयार करने का काम भी महिला समूहों को दिया जाएगा। इसके पूर्व प्रसिद्ध शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने मंच से शिव भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। आजीविका मिशन की और तेजस्वी समूह की बहनें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अलग अलग चीज़ें बना रही हैं। यहाँ तो आज रोड रोलर भी विकास के कामों के लिए समूह को दिया गया है, तो निर्माण का काम हो, राशन वितरण करने का काम हो, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने का काम हो, अलग अलग कई कामों से बहनें जुड़ के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रच रही है। मैं अपनी ओर से दिलीप भटेरे जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन व्यक्त करता हूँ। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।